2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था।